तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज हम फिर से खेल रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का सर्वाइवल गेम प्ले। तो यार आप सभी को पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यार हमारे साथ एक हादसा हो गया था जब मैंने पिछली बार वीडियो जो गेम थी वो क्विट की। उसके बाद जब मैं वापस इस गेम में आया तो मैंने देखा कि सारे जो मेरा सामान था वो सारा गायब हो चुका था। तो यार मेरे को पता नहीं है कि वो सारा सामान गायब कैसे हुआ, लेकिन चलो यार कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैं माइनिंग पे गया, काफ़ी सारा सामान इकट्ठा किया और यार उसके बाद जो है मैंने ये सारा सामान बना लिया जो यार आज हम अपने घर पे लगाने वाले हैं, यानी कि जो हमारा घर था उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो यार यहाँ पर मैंने खाना पकने के लिए रखा हुआ था तो ये पक गया है थोड़ा सा, तो इसको ले चलते हैं बाहर और बारिश सबसे पहले तो बंद होने का इंतज़ार करते हैं। तो यार ये रहा अपना फाइनल घर। तो यार आप घर की लुक तो देख ही सकते हो कितनी अच्छी है। तो यार यहाँ पर जो है पिलर्स लगाने हैं मेरे को, तो पहले वो कंप्लीट करते हैं। तो यार ये कुछ वॉल्स थी जो हम घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जब, तो यार वो बच गई थी। तो यार वही वाली वॉल्स मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यार काफ़ी अच्छी लगती हैं वॉल पिलर्स के टाइप रूप में, तो इस तरफ भी लगा देते हैं। ओके तो यार पिलर्स लग गए हैं, अब घर की और भी ज़्यादा लुक अच्छी हो गई है। तो बस यार अब अंदर जो है सारा सामान लगाना है हमने यहाँ पर, तो वो भी लगाने का काम शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो लाइट लगानी है हमें, क्योंकि लाइट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे घर में। तो यहाँ पर लाइट लगा देते हैं एक, और कोनों कोनों में हम लाइट लगाने वाले हैं और एक दो बीच में भी लगाएंगे। तो फिलहाल यार मैं बाहर आया हुआ था अपनी ये वाली चेस्ट में से कुछ सामान लेने, तो अब अंदर की तरफ चलते हैं फिर से लाइटें लगाने। तो यार लैंटर्न्स लगा रहा हूँ मैं। ओ भाई ये क्या, एक मिनट एक मिनट, आपस में ही देखो लड़ाई चल रही है इनकी। और ये तू तू ज़्यादा मशहर है, इसको तो पहले मैं दिखाऊं। भाई साहब हमारे पास डायमंड की एक्स है। तो यार चल देखो कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर बस स्टेयर्स लगाने की कमी है, तो चल जाइए यहाँ पर स्टेयर्स लगाते हैं। तो ओके यार यहाँ पर जो है हमारी स्टेयर्स का काम जो है कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर यार अब घर की लुक जो है और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो बस यार अब ऊपर की तरफ लाइटें लगानी है हमने। ओके तो चलिए यार अब नीचे वाले कमरे से शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पर हमें सबसे पहले चेस्ट लगाने का काम करना है। मुझे पता है कि अभी मैंने यार यहाँ पर जो है ग्लासेस नहीं लगाए हैं, तो यार ग्लासेस भी काफ़ी जल्दी लग जाएंगे। अभी यहाँ पर सैंड इकट्ठी करनी है तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यार एक तरीके से शल्कर और जो बैरल होते हैं वो ठीक रहते हैं सामान रखने के लिए, क्योंकि यार अब मैं अगर इसके ऊपर जो चेस्ट लगा दूंगा तो यार फिर वो खुल ओपन नहीं होती है। तो यार इसलिए हमें जो है बैरल, यानी कि जब हमें ज़्यादा ऊपर की तरफ, जैसे अब यहाँ पर चेस्ट नहीं लगेगी तो यार बैरल बुलाना चाहिए, क्योंकि बैरल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और यार उनकी लुक भी अच्छी सी आती है। तो उनको अगर हम नीचे ट्रैप डोर लगाएंगे और अगर ऊपर बैरल रख देंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ जाएगी, तो वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बैरल नहीं बनाए, तो फ़िलहाल चेस्ट ही लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर आगे जाके हम बैरल वगैरह भी बनाने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर मैंने जो सिंपल फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर लगा दिए, और यार चेस्ट भी लगा दिए कुछ, ताकि हम इसमें जो मतलब कि बर्निंग के लिए फ्यूल काम आएगा उसको रख सकें और जो खाने पीने का सामान वो रख सकें। तो इस साइड बनने वाला अपना जो मतलब कि लाइब्रेरी वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है, इंचैनमेंट टेबल यहाँ पर लगने वाला है हमारा। तो जब वो होगा तभी हम वो लगाने वाले हैं। ओके तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने अपना फर्नेस वगैरह लगा दिए हैं और बेड भी लगा दिए अपने फर्नेस के पास ही, क्योंकि यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यार कहीं हमारे प्लेयर को ठंड ना लग जाए। तो यार क्योंकि आप देख सकते हैं उन ट्रीज़ पर जो है आगे बर्फ़ पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो हम यार वहाँ पर आइस फार्म भी बना सकते हैं। गुड वन, या दैट्स गुड वन। ओके तो यार बात ये होगी कि रात हो गई और मैंने गेम थोड़ी देर के लिए क्विट किया हुआ था, तो ये यहाँ पर एक मॉब जो है क्रीपर ही शायद, अब पता नहीं किस वजह से जो है ये हमारा प्लेयर मर गया और यहाँ पर यार सारा सामान बिखर गया। तो यार मेरे को तो इन मॉब्स पे ही शक हो रहा है, तो यार अब तो मैं इनको छोड़ने नहीं वाला हूँ। ओके तो यार फिलहाल सुबह हो गई और वहाँ पर देखो मॉब्स कैसे जल रहे हैं। और भाई वो स्केल्टन क्यों नहीं जल रहा यार? तो यार शायद उसने जो है हेलमेट पहन रखी है लेदर की, तो इसलिए वो जल नहीं रहा। तो चलो उससे हमें क्या लेना देना, हम अपना आगे काम शुरू करते हैं। तो हाँ यार हमारे पास एक और आइडिया है मेरे पास, कि यहाँ पर अगर हम एक काम करें कि डर्ट ब्लॉक लगा दें और उसके बाद ट्रीज़ लगा दें, तो यार यहाँ से जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या फील आएगी, ऐसे जंगल में चढ़ रहे हैं। और भाई हमारे घर के ऊपर एक छोटा सा जंगल होगा तो घर के ऊपर हम फार्म भी बना सकते हैं, यार कितना अच्छा लुक आएगी। तो यार है ना एकदम सही आइडिया। अगर आपको आइडिया सही लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और
कमेंट करना कि और हम क्या क्या बना सकते हैं अपने घर में। और यार जो चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर ऐसी वीडियो आगे देखनी है तो। भाई यहाँ पर एक हॉर्स मिला है हमको, तो इससे छोड़ो हमारे पास अपना हॉर्स है। तो हाँ यार हॉर्स से याद आया कि मैं अपना हॉर्स भी लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो यार वो जो डर्ट वाला काम था उसको शुरू कर देता हूँ और मैं डर्ट लेकर आता हूँ। तो ये रही अपनी डायमंड शवल, तो इससे कलेक्ट करते हैं डर्ट। तो यार हमारे पास जो है 2 स्टैक डर्ट हो गई और 7 डर्ट है। तो यार लगे हाथ हम जो है सैंड भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारी जो है विंडोज़ बनानी है, ग्लासेस बनाने हैं। तो यार मैंने सोचा था कि ब्लास्ट फर्नेस में लगाते हैं सैंड, लेकिन यार उसमें ब्लास्ट फर्नेस में लग ही नहीं रही है। तो चलो यार कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डर्ट लगाने का काम शुरू करते हैं। तो यार हमारे जो ग्लास थे वो भी बन गए हैं। तो यार मेरे को लगता है ग्लास कम पड़ जाएंगे, इसलिए हमें ग्लास पेन्स बना लेने चाहिए। तो यार ग्लास पेन्स काफ़ी सारे बन गए हैं, तो इनको लगा देना शुरू कर देते हैं अब यहाँ पर। तो ओके यार यहाँ पर सारी जगह पे जो है हमने यहाँ पर ग्लासेस लगा दी हैं। तो यार ये काम जो है अपना कंप्लीट हो गया है। और भाई यहाँ पर जो है काफ़ी देर से अभी तक जो हमारे पास ग्रास ब्लॉक ऊपर नहीं आया है। तो चलो यार देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यार यहाँ पर मैं वॉल लगा देता हूँ यहाँ पर साइड साइड में, तो ताकि यार जब हम अपने घोड़े वगैरह को ऊपर लाएँ तो वो यहाँ से गिर ना जाए यार। तो ओके यार फाइनली हमारा घर जो है बन के रेडी हो गया, और ये है हमारे घर की फाइनल लुक। तो यार देख सकते हो कितना सुंदर हमारा एकदम ब्यूटीफुल घर लग रहा है हमारा। तो यार फिर भी अभी तक ग्लास ब्लॉक के जो ग्रास है वो ऊपर नहीं आई। और भाई एंडर मैन को देख लो, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसका कुछ। तो यार इसको नीचे चल के मारते हैं सबसे पहले तो। और भाई क्या तू ज़्यादा ज़्यादा मशर है? अरे भाई कहाँ गया, कसम से मर गया? नहीं यार वो तो टेलीपोर्ट हो गया। तो चलो यार छोड़ो, तो चलो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यार मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और भाई एंडरमैन पूरी ओ यार इस एंडरमैन की तो मैं नहीं, आज नहीं, ये बचने नहीं वाला आज मेरे हाथों से। कसम से वीडियो के एंड में मार गया मेरे को इसको, तो नहीं मैं आज नहीं। मेरी एक्स कहाँ गई? सबसे पहले तो मैं एक्स लेने वाला हूँ अपनी, और इसको दिखाता हूँ मैं मज़ा। यार मैंने सोचा टेलीपोर्ट हो गया बेचारा, बड़ा शरीफ है। यार इसको तो नहीं आज नहीं बचने वाला। ओ भाई फिर से मार गया। अरे यार तो यार पता नहीं कहाँ चला गया, और पीछे से आएगा कहीं से, और भाई फिर से यार मार के चल जाए। तो यार उससे पहले हम सारा अपना सामान कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई बहुत बुरी एंडिंग हो रही है हमारी यहाँ पर। कल हमें अनब्रेकिंग का जो था वो मिल गया था एंडिंग में, और ये आज यहाँ ये हमको मारने पे तुला हुआ है। तो चलो यार शायद अब वो गया, तो अब ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे उससे। तो चलो यार बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।